कितना बड़ा है यार ये। यहाँ पे वो नॉन बनाते होंगे शायद, तंदूर बनाते होंगे। काफी अच्छा है, 300 रुपए के हिसाब से हमारे यहाँ। ओके योर्स, ओके नाइस नेम। और जो यहाँ से टीवी टावर का व्यू दिख रहा है ना, वो मुझे नहीं लगता कि और कहीं से दिखेगा। वो देखो वहाँ पे है ताशकंद लेक। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में आप लोगों का उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद से। और अभी यहाँ पे टाइम हुआ है सुबह का 8:30 और अभी टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मैं यहाँ पे, कोई टीवी टावर है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बिरयानी वगैरह भी बनाई जाती है, वो भी घूम के आऊँगा। टीवी टावर है काफ़ी बड़ा, वहाँ से पूरा ताशकंद का व्यू दिखता है, वो भी मैं घूम के आऊँगा। और उसके बाद थोड़ा सा इस सिटी वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे और फिर ये ट्रिप ख़त्म करके हम लोग निकल जाएंगे समरकंद के लिए। समरकंद यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर एक सिटी है, वहाँ पे ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है। तो मैं जाऊँगा ट्रेन से, आप लोगों को यहाँ का ट्रेन जर्नी भी दिखाऊंगा। तो अभी तो चलते हैं, सबसे पहले आएंगे टीवी टावर और जो बिरयानी सेंटर वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे सर्दी है अभी यार, टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना यार सर्दी में, वहाँ मेरे ना हमेशा सर्दी, एक बार तो सर्दी कोल्ड होगा ही होगा। तो अभी कल मैं यहाँ पे आया था, आज मेरे गला बैठ गया, सर्दी लग गई थोड़ी थोड़ी। अब देखो 2-4 दिन लगेगा इसको ठीक होने में। तो अभी तो चलते हैं वहाँ से टीवी टावर और वहाँ पे जो बिरयानी सेंटर, वहाँ से फिर थोड़ा सिटी वगैरह घूमेंगे। और आज टाइम, मान लो आज मैं ये ट्रिप ख़त्म कर दिया या ताशकंद को घूम लिया, तो फिर मैं आज ही वहाँ के लिए निकल जाऊँगा समरकंद के लिए। अभी ये देखो शायद यहाँ पे कोई लोकल लोगों के घर वगैरह है उधर, वो मुझे एक ये टीवी टावर दिख भी गया यार, मैं टीवी टावर को पहुँच गया। यहाँ के लोकल लोगों के कोई घर वगैरह है और ये है यहाँ की बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का कुछ ऐसा है। और वो टीवी टावर आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, वो आ गया है टीवी टावर, बहुत पास में था यार, ज़्यादा दूर नहीं था वैसे टीवी टावर। अब देखते हैं वहाँ का टिकट वगैरह तो कितना होता है, वो तो वहीं चल के मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ से मेरा भी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार ताशकंद का व्यू देखूँ पूरा ऊपर जाके टीवी टावर के। टिकट वगैरह सारा जो ट्रिप वगैरह वो सारा सब कुछ बताऊँगा, यदि आप लोग कभी उज्बेकिस्तान आते हैं तो आप लोग अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ का कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह है, यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह खेले जाते हैं। सो गाइस, जो अभी यहाँ का जो पिलाप सेंटर है वहाँ पे मैं पहुँचने ही वाला हूँ। ब्रो दिस वन, ओके दिस वन, ओके। अभी ये भाई एक्चुअली यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी कम ही जानती है, भाई थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जानता है। तो इस भाई से पूछा यार कहाँ है, तो वो पिलाप सेंटर है ना, जो बिरयानी सेंटर, मान लो पिलाप बोलते हैं लोग पिलाप, तो वो जो सेंटर था ना, वो टीवी टावर था, उसके जस्ट पास में बगल में ये पिलाप सेंटर है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो हम लोग ये उसके जस्ट बगल बगल में चल रहे हैं और ये आ गया है पिलाप सेंटर यहाँ का। दिस वन राइट, ओके ओके। तो मैं आ गया हूँ यहाँ का जो पिलाप सेंटर है वहाँ पे, और अभी थोड़ा सा पिलाप सेंटर घूमूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग, दुनिया का सबसे बड़ा पिलाप सेंटर, बिरयानी सेंटर यहीं पे है। अभी वो लोग अंदर भाई बहुत खतरनाक वाला बना रहे, इतने बड़े बड़े कढ़ाई हैं, खर्चे हैं इनके पास। वो देखो वो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा पिलाप सेंटर है और ये जो है यहाँ का टीवी टावर है। अब आप लोग देखो ये टीवी टावर कितना बड़ा है। अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ घूमूंगा, फिर यहाँ घूम फिरने के बाद फिर मैं जाऊँगा वहाँ पे। और यहाँ पे है, इन लोगों ने बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है, जो पिलाप खिलाते हैं ना ये लोग, यहाँ पे अच्छा खासा अरेंजमेंट कर रखा है इन लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं यार। अभी ओपन किया है थोड़ी देर पहले बस, तो अभी थोड़ा सा और इनकी जो तैयारियाँ है वो जोर शोर से होने लग जाए, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर अपन चलेंगे टॉप पे। हाय ब्रो, हाउ आर यू? गुड, हाँ आई एम गुड। तो ये है भाई यहाँ पे, अभी तो कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा रहे हैं ये लोग यार। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी भट्टियाँ। आज मैं आज आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप ओपिनियन ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन का नाम है प्रोबो। प्रोबो एप्लीकेशन में आपको अपना ओपिनियन यस या नो में देना होता है, तो यहाँ पे आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए यस या नो में अपना ओपिनियन देके कमा सकते हैं अच्छा खासा पैसा। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, न्यूज और भी बहुत सारी। इसमें से किसी भी अपनी मन पसंदीदा कैटेगरी को चुनके आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर, क्या चेन्नई गुजरात के खिलाफ आईपीएल में जीत पाएगा? तो यहाँ पे धोनी वैसे भी काफी दिनों बाद खेलने आ रहा है, तो मुझे तो ऑफकोर्स यही लगता है कि चेन्नई इस मैच को जीतने वाली है 100%। और गाइस यहाँ पे यदि आप अपने ओपिनियन के बारे में श्योर हैं, तो आप ट्रेडिंग क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। प्रोबो एप्लीकेशन एक सेफ एंड ट्रस्टेड वेबसाइट है जहाँ पे रोज 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स अपने ओपिनियन का इस्तेमाल करते हुए अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे जीते हुए पैसे को विड्रॉ करना और डिपोजिट करना बहुत आसान है। यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, किसी के भी थ्रू आप विड्रॉ और डिपोजिट कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोबो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। वहाँ से रजिस्टर करने पे आपको मिलेगा अप टू 25 रुपीज बोनस। भाई साहब, इतनी बड़ी भट्टी मैंने मेरी लाइफ में ना पहली बार देखी है,
और अभी आपको बताता हूँ, ये देखो इसमें हो रहा है तेल गर्म कर रहा है, इतना ज्यादा ये तेल गर्म कर रहे हैं। और अभी तेल गर्म होते ही जो मीट पीस है ना वो दिखाने पे शायद YouTube बैन कर देता है, वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, येलो मार्क डाल देता है, तो मैं उसको ब्लर कर दूंगा। अभी यहाँ पे हो रहा है तेल गर्म और मैं आपको सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे जो दुनिया का सबसे बड़ा पिलाप सेंटर है, यहाँ पे पिलाप बनाई जाती है। यहाँ पे है ये छोटी छोटी कढ़ाइयाँ, इनमें क्या बनाते हैं, अच्छा इनमें सब्जियाँ वगैरह उबाल रहे हैं अभी ये लोग, वेजिटेबल वगैरह कुक कर रहे हैं अभी इसमें। ऐसा मैंने मेरी लाइफ में ना पहली बार देखा है। और ये पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो नॉन बनाते होंगे शायद, तंदूर बनाते होंगे, मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे तंदूर बनाते हैं ये लोग। जो ब्रेड आती है ना यहाँ की ब्रेड, यहाँ की ब्रेड है ना वो भी काफ़ी फेमस है, मैं आप लोगों को ब्रेड का भी एक अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। वो समरकंड में है, जो मैं आज या तो आज शाम को निकलूँगा या कल निकलूँगा समरकंड के लिए। हाय ब्रो, योर नेम, नेम 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 योर नेम आयरुल्लाह, नाइस टू मीट यू, आई एम इंडिया, इंडिया फ्रॉम इंडिया, शाहरुख खान। वो भाई है जो तेल इसमें डाले जा रहा है, पता नहीं कितना भरेंगे, अभी आप लोगों को बताते जाऊंगा। ये तेल डाले जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं। अभी तैयार हो रहा है, थोड़ी देर में तैयार होता है, फिर तैयार होने के बाद पूरा प्रोसेस बताऊंगा, फिर यहाँ से मैं जाऊँगा जो टीवी टावर है उसको घूमने। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, घंटा आधा घंटा मुझे लगता है, घंटा डेढ़ घंटा लग जाएगा मेरे को ऐसे लग रहा है। छोटी भट्टियों में ये जो मीट कुक करते हैं, अब इस भट्टी में ये जो मीट कुक हो रहा है और मीट पकाने के बाद है जो बड़ी भट्टी में चावल वगैरह पुलाव वगैरह सब डाल के उसमें करेंगे ये। हाय ब्रो, हेलो ब्रदर, हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड या इंडिया इंडिया या वाओ, माय इंग्लिश इज पुअर, या इट्स ओके। बाय द वे व्हाट्स योर नेम, डोनियो, नोनियो, डोनियो, डोनियो, नाइस टू मीट यू, ओके, एंड योर ब्रदर अहमद, अहदुना अहद, ओके। आप लोगों को एक बार यहाँ से जो पिलाप सेंटर है ना उसका पूरा व्यू दे देता हूँ। देखो यहाँ पे शायद रिसेप्शन है, नहीं रिसेप्शन नहीं है, ऐसे ही बना रखा है, रिसेप्शन ये है, यहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और उधर है जो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है। और इधर का पार्ट कुछ ऐसा है, ये वाली कढ़ाई है ना ये सबसे बड़ी कढ़ाई है, ये ऑयल मुझे लगता है ऑलमोस्ट पक के तैयार हो गया है। ये सारी की सारी छोटी भट्टी है, केवल राइस वगैरह पकाने के लिए, वेजिटेबल वगैरह पकाने के लिए, ऑयल गर्म करने के लिए, उन्हीं के लिए यूज करते हैं ये लोग। और ये जो पिलाप सेंटर है ना उसका नाम है बेस कोजोन, और ये जस्ट पिलाप सेंटर के जस्ट बगल में है जो वो है टीवी टावर। लेकिन बैठने का जो अरेंजमेंट कर रखा है ना भाई, एक नंबर कर रखा है इन लोगों ने अल्टीमेट, और भी बहुत लंबा चौड़ा अरेंजमेंट कर रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे जूस वगैरह भी मिल जाएगा, अभी कोई है नहीं वरना मैं एक अनार का जूस पी के जाऊँगा यहाँ से। वो भाई साहब है जो इसमें डाल रहे हैं मीट के पीस, ये लो जी अभी इसमें मीट वगैरह वेजिटेबल वगैरह डाल के ये हो रहा है तैयार। अब ये जो भी वेजिटेबल वगैरह थी ना ये उनको अब पका के और इसमें डाले जा रहे हैं। इतने तो इतने ज्यादा तो इसमें मीट के पीस डाले गए, ये देखो रेड कैरेट, शायद रेड कैरेट है,
रेड कैरेट, कैरेट ओके, आलू और इसमें कैरेट डाली गई है। अभी भाई साहब डाले इसमें काली मिर्च, जीरा वगैरह, वह है वाइट चने। अब राइस की कमी रही है, ऑलमोस्ट सारा सामान इन लोगों ने डाल दिया है। आप लोग बताओ अब क्या कमी रहा है इसमें, नॉनवेज है जो नीचे है इसके। ये देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी कढ़ाई में ही पकाया जाता है, यहाँ पे छोटी छोटी कढ़ाई में भी ये पुलाव पकाते हैं। उधर जो बड़ी कढ़ाई में पकाया जा रहा था एक साथ, लेकिन यहाँ पे ये छोटी छोटी कढ़ाई में पुलाव पका रहे हैं लोग। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है पूरा का पूरा। ये है नॉन वेज, इसको ये धागे से बांध के रखते हैं यार, वरना ऐसे तो बिखर जाए। धागों से बांध के रखते हैं जो भी नॉन वेज डालते हैं इसमें उसको। ये है भाई यहाँ का कुछ सीन ऐसा है कुछ यहाँ का। यहाँ से पीते हैं हम लोग थोड़ा सा जूस। हेलो, हाउ मच वन गिलास? 25 ओके, वन एक अनार का जूस का ग्लास जो 25,000 सोम का दे रहे हैं। 25,000 सोम हो गए 180 इंडियन रुपीज, महंगा तो है लेकिन पी लेता हूँ सुबह सुबह अभी थोड़ा सा। अभी मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है और फिर चलते हैं। बोतल में डाल के देते हैं ये लोग, इसी को ही ग्लास बोलते हैं। यहाँ ही करेंसी आपको इतने इतने नोट ले जाने पड़ेंगे। ये देखो ये 5,000 सोम का नोट है, ये यहाँ पे 50,000 सोम का नोट। सो गाइस यहाँ पे फाइनली जो बड़ी वाली कढ़ाई थी उसमें भी पुलाव बन के हो गया रेडी। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है यार ये, इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई यहाँ पे। तो ये था यहाँ का कुछ सीन पुलाव वगैरह का, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलाव सेंटर है उसका। अब मैं जाऊँगा यार, मैं सोच रहा हूँ ये है ना टीवी टावर है ना, जल्दी से वहाँ पे जाके फिर हो सकता है आज मैं यहाँ से यार वहाँ समरकंद के लिए निकल जाऊँ, क्योंकि आज मेरे को ट्रेन मिल रहा है यहाँ पे। अभी मैंने चेक किया था यहाँ पे बैठा बैठा ट्रेन मिल रहा है, तो अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा उधर जो टीवी टावर है वहाँ से ऊपर से आप लोगों को ये ताशकंद दिखाता हूँ जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, इसको थोड़ा सा ऊपर से देखने पर और भी ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को। और अब मैं चलता हूँ यार ऊपर वो जो टीवी टावर है वहाँ पे जाऊँगा, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। मैंने ट्रेन बुक कर दिया बैठे बैठे यार, वो था ना समरकंद के लिए ट्रेन मिल रही थी, 2 बजे की ट्रेन थी, फिर मैंने सोचा ट्रेन बुक ही कर देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा दिन रह के ज़्यादा टाइम बिताई के क्या करूँगा, थोड़ा सा जो अलग जगह है गाँव वगैरह यहाँ की जो फेमस सिटीज़ वगैरह और है उनको एक्सप्लोर करते हैं। बाकी तो है जो यहाँ पे ताशकंद, तो मैं वापस आऊँगा कहीं भी मुझे जाना होगा तो यहीं के लिए मैं वापस से ट्रेन या फ्लाइट जो भी है वही यहीं से लूँगा। और जो यहाँ से टीवी टावर का व्यू दिख रहा है ना, वो मुझे नहीं लगता कि और कहीं से दिखेगा, क्योंकि नीचे जाएंगे नीचे से कैमरा ऊपर करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरे टीवी टावर का व्यू, ये नीचे से देख लो, ऊपर से अभी चल के बताऊंगा। मैं ऑलमोस्ट जो टीवी टावर का गेट है वहाँ पे पहुँच गया हूँ। ये देखो ये है टीवी टावर का गेट, यहाँ पे कुछ लोग शायद घूम फिर के भी आ गए यार। अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 10:15 के लगभग टाइम हो गया, ताशकंद टीवी टावर। तो चलते हैं थोड़ा सा अंदर इसके, यहाँ पे और टावर लगा रखे हैं इन्होंने। सबसे पहले तो बताता हूँ आप लोगों को ये टावर कौन कौन से लगा रखे हैं इन लोगों ने। ये देखो नीचे छोटे छोटे टावर लगा रखे हैं। तो ये है भाई एफिल टावर, एफिल टावर कुछ ऐसा दिखता है। चाइनीज टेलीविज़न टावर है वो ये वाला है, और ये चाइनीज टेलीविज़न टावर के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये है कुआलालंपुर टावर, ये वाला कुआलालंपुर टावर यहाँ पे जस्ट बाहर इन लोगों ने लगा रखा है। शिकागो टावर USA, शिकागो टावर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और वो है ताशकंद टावर। हाउ आर यू ऑल, व्हाट्स योर नेम? यू
name? Yeah, I'm a vlogger. You... Hi. I'm good. What's your name? My name is Kira. My name is Kailas. Yours? My name is Amaria. Amaria, okay. Yours? Okay, nice name. I'm good. I'm from India. India? Yes, yes. Your channel? Yeah, you can search. Do you have internet in your phone? Yeah. Give me. Dine.trick. Okay. It's your top? Yeah, sure. You all are from Uzbekistan. Local. Okay, सारे photo करते हैं. Indians को बहुत प्यार करते हैं यार ये लोग सारे. Thank you, thanks a lot. You all are very nice, very nice. Thank you, goodbye. Thank you, goodbye. Good luck. Goodbye, thank you. ये है भाई यहाँ का entry gate. Hi. तो यहाँ का जो सिक्योरिटी चेक इन था वो हो गया पूरा और टिकट है जो 40,000 सोम का है. 40,000 सोम है जो 288 इंडियन रुपीज के 300 रुपए मान लो मोटा मोटा. और यहाँ पे ये देखो इन लोगों ने छोटे छोटे टीवी टावर वगैरह और लगा रखे हैं. वहाँ से लाइन लगी आ रही, मैं उधर से आ रहा हूँ तो वहाँ से काफी सारी लगा रखी है इन लोगों ने. और ये यहाँ पे झलक देखने को मिलती है आप लोगों को उज्बेकिस्तान की. ये कुछ यहाँ की मॉस्क वगैरह है और यहाँ के कुछ फेमस चीजें ना, ये है यहाँ का टीवी टावर जो आप लोगों को यहाँ से पूरा दिख रहा होगा. ये देखो ये है ऊपर तक, ये है यहाँ की कुछ फेमस चीजें. हम लोग ये सारी की सारी एक्सप्लोर करेंगे. काफी अच्छी अच्छी काफी हिस्टोरिक चीजें है यार यहाँ पे. जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो भी काफी पुरानी है. ये इधर नया लगा रखा है, ताशकंद के बारे में लगा रखा है. और शायद ये इधर है ना जो रूरल एरियाज के बारे में लगा रखा है और या फिर कोई ओल्ड सिटीज है. काफी अच्छा है, 300 रुपए के हिसाब से वर्थ विजिटिंग है. 300 रुपए तो बनता है भाई इतना सा. तो गाइज मैं आ गया हूँ जो सिक्स फ्लोर जो छठवा फ्लोर है वो है व्यू देखने के लिए. और जो आठवा फ्लोर है वहाँ पे रेस्टोरेंट. और जो छठे फ्लोर से सिक्स फ्लोर से जो व्यू दिखता है वो ये है भाई साहब. ये देखो क्या अमेजिंग है. वो देखो वहाँ पे है ताशकंद लेक. वो सामने जो लेक दिख रहा है वो ताशकंद लेक है. वाव यार अमेजिंग. लेक का व्यू दिख रहा है ना, ये मुझे बहुत प्यारा, बहुत ही मस्त लग रहा है ये वाला. ये इधर है ताशकंद सिटी. यहाँ से वो ताशकंद का बीच में से रोड वगैरह जा रहा है. इधर है जो सिटी है उस...